दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 9 दिसंबर 2022 शुक्रवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनहरा अवसर निकला है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर बड़ा अवसर निकला है। वायुसेना, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में बिना एग्जाम की सीधी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर बम्पर भर्ती की अपडेट आ चुकी है। एग्रीकल्चर विभाग में भी यानी कि कृषि विभाग में भी बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है और आवेदन प्रक्रिया आज ही से स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 9 दिसंबर 2022 की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन कानपुर में। भारतीय वायुसेना स्टेशन के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 250 वैकेंसीज निकली है। बात अगर यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 दिसंबर 2022 है। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग सैलरी तय की जाएगी। 10th पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 25, 28 और 30 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा, मेरिट से चयन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कानपुर UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। indianairforce.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड में। स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। 6092 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए आज ही से शुरू होने जा रही है। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 दिसंबर है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 दिसंबर 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 23 दिसंबर है। एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। 7,100 से 37,600 सैलरी है प्रति माह के लिए। 12th डिप्लोमा GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 39 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस OBC और अदर कैंडिडेट्स के लिए 210 है। SC ST जो वेस्ट बंगाल के हैं और PWD को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट और कैश मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। WBHRB.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कर्नाटका स्टेट रूरल लाइवहुड प्रमोशन सोसाइटी में। ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है इसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ब्लॉक मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट मिस असिस्टेंट एंड DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, तालुक प्रोग्राम मैनेजर और क्लस्टर सुपरवाइजर की। बात अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की जाए तो टोटल इसके लिए 204 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए भी 7 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 दिसंबर 2022 है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। डिप्लोमा डिग्री, PG डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 45 वर्ष है। फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कर्नाटका जॉब लोकेशन है jobs.srlps.karnataka.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है
वो निकले तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग के लिए यहाँ पर लेक्चरर की भर्ती है, 247 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए स्टार्ट होंगे 14 दिसंबर 2022 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 जनवरी 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 4 जनवरी 2023 है। एग्जाम डेट मई या जून 2023 है। सैलरी 56,100 से 177,500 है लेवल 9A के अंतर्गत और 57,700 से 182,400 है लेवल 10 के अंतर्गत। BBTech ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 44 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्येक कैंडिडेट्स के लिए 320 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। इसमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस 200 रुपये है प्लस एग्जामिनेशन फीस 120 रुपये है। अनएम्प्लॉय कैंडिडेट को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। और जो यहाँ पर ऑल एम्प्लॉयज है और गवर्नमेंट यहाँ पर सेक्टर से रिलेटेड है उनको यहाँ पर फीस जमा करनी होगी, जो कि आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जामिनेशन से चयन होगा। ऑनलाइन तरीके से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। thpsc.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब है वो भी वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के अंतर्गत ही निकली है। मेडिकल ऑफिसर जनरल ड्यूटी GDMO और मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट की भर्ती है। 1429 वैकेंसीज निकली है। मेडिकल ऑफिसर GDMO के लिए 750 वैकेंसीज है और स्पेशलिस्ट के लिए 679 टोटल वैकेंसीज निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए भी आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन करने की 9 दिसंबर 2022 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 दिसंबर 2022 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 23 दिसंबर 2022 है। एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। 15,600 से 42,000 सैलरी है। MBBS डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 36 और 40 वर्ष यहाँ पर इसकी आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस OBC और अदर कैंडिडेट के लिए 210 है। SST वेस्ट बंगाल और PWD के लिए कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। मनी ऑर्डर चेक बैंक ड्राफ्ट और कैश मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। प्री एग्जाम एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है WBHRB.in जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 और लास्ट नंबर की जॉब है वो निकले त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन TPSC लोक सेवा आयोग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में कृषि और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर कृषि अधिकारी AO की भर्ती यहाँ पर निकली है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 60 निकली है। आवेदन इसके लिए भी आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन करने की 9 दिसंबर है। लास्ट डेट 9 जनवरी 2023 है। सैलरी 10,230 से 34,800 है। डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए 350 है। SC, ST, BPL और PWD के लिए 250 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जामिनेशन इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। त्रिपुरा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। tpsc.tripura.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 9 दिसंबर 2022 शुक्रवार की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।